चुनाव ही वो पर्व जब जनता जनार्दन है। बड़े बड़े कुर्सी धारी अब जनता के दरबार में पधार रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है तो कोई लखनऊ से। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष सब जनता के सामने नतमस्तक है। उन्हें मना रहे हैं, उन्हें अपने काम गिना रहे हैं, उन्हें योजना बता रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं। बीजेपी जन विश्वास यात्रा से पूरे यूपी की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है। तो यूपी के युद्ध में सत्ता को कड़ी चुनौती देने वाले अखिलेश यादव जीत से पहले विजय यात्रा निकाल रहे हैं। बिना समाजवाद के राम राज्य आना संभव नहीं है। जब राम राज्य आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। बिना समाजवाद के राम राज्य लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। दो दिन बाद मैनपुरी से विजय रथ यात्रा का 8वां चरण शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही छापेमारी से समाजवादी पार्टी की यात्रा में गर्मी ला दी है। आयकर विभाग के छापे में समाजवादी नेता और करीबी आए हैं। पार्टी प्रवक्ता राजीव राय के घर पर 15 मिनट तक छापेमारी चली। मेरे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई दो नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों को मदद करना भाजपा को खल गया। ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग, सुनो रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से एफआईआर आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कम्प्लीट करने दो। यात्राओं की सियासत में कांग्रेस कहां पीछे है? पार्टी में अकेले दम पर जान फूंकने निकली प्रियंका गांधी शहर शहर प्रतिज्ञा पद यात्रा कर रही है। आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, आप खरीदने जाए तो कितने का मिलता है? 1000 रुपए का सिलेंडर, 700 का तेल कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का पेट्रोल डीजल कितने का मिल रहा है? आपको ये सरकार चाहिए? नेता जनता को लुभा रहे हैं और जनता नेता को परख रही है। वोटिंग तक ये सिलसिला चलता रहेगा और प्रचार का शोर बढ़ता रहेगा। आज तक ब्यूरो।